तो आज मैं एक ऐसा गेम खेलने वाला हूँ जिसने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, और बोलूँ तो भाई ये ग्रेनी एंड एविलन से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भूत है। एंड मैं इस गेम में एक पुलिस ऑफिसर हूँ एंड जो कि हाँ मेरे को यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहा है आखिरकार यहाँ पे क्या कैसे हुआ। तो खैर गाइस ये रहा मेरा रूम एंड ये मे भी मैं ही हूँ यहाँ पे, एंड इधर रहा मेरा ड्रेस जो कि हाँ मैं अभी इसे नहीं पहनने वाला। खैर इधर एक टीवी एंड भाई इधर एक ड्रॉवर, क्या मेरे कुछ सामान मिलेगी भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। एंड इधर रहा मेरा टेबल और भाई सर यहाँ पे काफ़ी सारे मर्डर हो चुके हैं। लेकिन ना इस गेम में एक काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है, जिसका मर्डर होता है ना भाई उसका चेहरा इसमें नहीं दिखता, यानी कि जो फोटो वगैरह रहता है उसमें चेहरा इसका नहीं दिखता। यानी इधर एक नोट फाइंड द किलर हो भाई साहब, हमारे को किलर का फाइंड करना, लेकिन हाँ हमारे को पता क्या इसमें किलर कौन है जो कि हाँ एक भूत है। सो खैर यहाँ पे मेरा पहला गोल मिल चुका, गो टू द मास्टर बेडरूम ऑन द सेकेंड फ्लोर। तो फाइनली सबसे पहले हमारे को सेकेंड फ्लोर में जाना है जो कि वहाँ पर एक मास्टर बेडरूम है। सो क्या सबसे पहले गेट को ओपन करता हूँ एंड भाई इधर तो क्या ही हॉरर फीलिंग मिल रही है हमारे को भाई, इस घर में कोई भी नहीं। ओ भाई क्या ही खतरनाक से डर लग गई हमारे को। एंड यहाँ पे कोई केक वगैरह रखा हुआ है भाई, क्या ही खतरनाक से खून वगैरह गिरे जा रही है इसमें। एंड भाई इसे देख के सच्ची बोलूँ तो रू काँप रही है। सो फाइनली गाइस मेरे को इस चेन को काटने के लिए क्या चेन कटर चाहिए, क्या मैं अभी इसे काट सकता हूँ? खैर यहाँ पे तो एक पिस्टल वगैरह रखा हुआ। ओ भाई भाई मैं जैसे सामने गई अचानक से गायब हो चुके हैं। यहाँ पे फाइनली एक कैमरा है, क्या मैं इस कैमरे को उठा सकता हूँ? खैर मैं इस कैमरे को तो नहीं उठा सकता, लेकिन हाँ इधर क्या ही भाई सब लिखा हुआ है हैप्पी पूरा तो नहीं पढ़ पा। एंड फाइनली गाइस मैं इसे ओपन तो नहीं कर सकता। खैर ओ भाई वहाँ क्या वो भूतनी ही खड़ी है या फिर वो कोई बच्ची है? खैर मेरे को तो डर लग रहा है सामने जाने में, तो लेट्स ट्राई, देखता हूँ आखिरकार वो मेरे को क्या करती है। खैर मेरे पास कोई अनदर ऑप्शन नहीं दूसरे जगह जाने में। एंड भाई ओ भाई साहब भाई वो अचानक मेरी तरफ आने लगी एंड अचानक से दप्पा बोल दी मेरे को, लेकिन हाँ मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। खैर वो मेरे को कुछ बोलना चाह रही थी या फिर डराना, मैं तो उतना समझ नहीं पा रहा, लेकिन हाँ बाद में पता चल जाएगा। इधर एक गन, क्या मैं इन दोनों को उठा सकता हूँ? और भाई यहाँ पे एक ट्रायंगल की मिल चुकी है हमारे को। खैर देखो आखिरकार इस ट्रायंगल की का ज़रूरत क्या है हमारे को। एंड भाई वेट, इधर तो वही रूम आज को जो कि हाँ मैंने शुरू बार में देखा था। सो भाई सब क्या ही बोलो, काफ़ी ख़तरनाक लग रही है। एंड इधर एक मेरा किचन जो कि हाँ मैं अभी इधर नहीं जा सकता, खैर उधर भी देख लेता हूँ। एंड भाई सब इधर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। खैर यहाँ पर अगर भूतनी है तो मैं यहाँ पर छुप सकता हूँ। एंड इधर ड्रॉवर वगैरह तो मैं नहीं चेक कर सकता। खैर एक यहाँ पे ड्रॉवर जो कि कुछ भी नहीं इसमें, एंड यहाँ पे काफ़ी सारे बुक, और क्या मैं इसे खोल सकता हूँ? भाई लॉक्ड है भाई, सब गेट लॉक्ड है, तो फिर मैं यहाँ पे करूँ क्या? तो खैर सबसे पहले मेरा पहला गोल था ऊपर जाने का, जो कि हाँ मैं सिंपली ऊपर चला जाता हूँ। एंड भाई शायद कोई तो कुछ देर पहले यहाँ पे चला जो कि पूरा खून खून ही हो जा रहा है। एंड फाइनली गाइस मैं इधर भी नहीं जा सकता, और वेट यहाँ पे एक रूम है एंड यहाँ पे एक घड़ी जो कि मेरे को कुछ लगाना है, लॉक्ड है। क्या इसमें भी चाबी लगने वाली है? खैर बाद में देखी जाएगी। सबसे पहले तो मैं इस रूम में जाता हूँ जो कि हाँ यहाँ पे एक ट्रायंगल की लगने वाली है। तो खैर सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल की को यूज करके अंदर चला जाता हूँ। एंड भाई साहब क्या ही है, ओ भाई कोई तो सामने है यहाँ पे, क्या मैं इस गेट को ओपन कर दूँ? भाई लॉक्ड, फिर ठोकर कौन मार रहा है यहाँ पे? क्या ये भूतनी हो सकती है मेरे को जहाँ तक लग रहा है मे बी। एंड यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मेरे को जहाँ तक लग रहा है। सो फाइनली गाइज मैं सोच रहा हूँ अगर ये भूतनी भी हो सकती है, मैं कुछ देर के लिए हाइड हो जाता हूँ, क्योंकि हाँ यहाँ पे एक अलमीरा है एंड मैं कोई भी अलमीरा में हाइड हो सकता हूँ। तो फाइनली गाइज गेट ओपन हो चुके हैं एंड भाई ये भूतनी थे, मैं पागल जैसा उस गेट को ही ओपन करने जा रहा था, क्या ही बुड़बक हूँ मैं। एंड ये रही भाई क्या इसका बाल लंबा, इसने हाथ में चाकू रखा हुआ, क्या ये मेरे को मारना चाह रही है? भाई सच्ची बोलूँ काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है मेरे को। सो खैर मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये भूतनी जा चुकी, मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। एंड भाई वेट यहाँ पे गेट ओपन हो चुका, पहले तो मैं यहाँ से एंट्री मारा, यह एक कॉरिडोर था मेरे को जहाँ तक लग रहा है। इधर मैं जाकर देखता हूँ एंड भाई वेट सबसे पहले इस गेट, ओ भाई ये गेट लॉक्ड हो गई है अचानक, क्या मैं अभी जा सकता हूँ? खैर मैं इधर तो अभी नहीं जा सकता। एंड यहाँ पे तो कोई लेटी हुई है, क्या आखिर ये है कौन? ओ भाई अचानक तो गायब होगी, क्या ये खतरनाक सा हो रहा है यहाँ पे। खैर यहाँ पे एक न्यूज़पेपर है जो कि इट इज़ ऑलरेडी सर्टेन दैट द मैरिज ऑफ लीजा एंड जेम्स इज़ अ मिस्टेक स्पेशली आफ्टर द बर्थ ऑफ द डॉटर जेम्स टर्न ऑफ। ओ भाई मेरा नाम जेम्स है इस मैच में एंड मेरी वाइफ का नाम लीजा, हम दोनों का शादी मिस्टेक से हो चुका था। खैर इस पेपर में ऐसा लिखा हुआ है, मेरे को उतना लिटरली में पता नहीं। एंड इधर भी ड्रॉवर जो कि मैं इधर ओपन नहीं कर सकता भाई, इस गेट का अचानक ओपन हो जाना एंड भाई जो आवाज़ आती है ना, क्या ही खतरनाक से डर लगता है हमारे को भाई। अगर आपने हेडफोन लगा रखा होगा तो आपको उस फील का पता चल रहा होगा, सो मे बी अगर आपने हेडफोन लगा रखा हो
तो आपको उस तरीके का फील आ रहा होगा। एंड खैर इधर मैं कुछ ढूंढ तो नहीं सकते मेरे को जहाँ तक पता है। एंड इधर एक पेंटिंग, लिजास फोटो, मैंने आपको बोला ना जिसका मर्डर हो चुका उसका फोटो हमारे को पूरा क्लियर नहीं दिखता। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इधर भाई सब क्या ही पूरा रेड हो जा रहा है ये रूम। एंड मेरे को पता है ये गेट भी अब ओपन नहीं होगा, क्या मैंने बोला ना। सो खैर इधर भी एक ड्रॉवर जो कि मैं इधर नहीं देख सकता। खैर यहाँ पे एक फ़ोन आ रहा है मेरे को जहाँ तक लग रहा है, रिंग तो हो रहा है। एंड यहाँ पे गुड्डा रखा हुआ है भाई, इसमें माजला क्या है। सो खैर गाइस सबसे पहले मैं तो उस कॉल को उठा लेता आखिरकार, देखना चाहता हूँ है कौन। तो फाइनली गाइस ये था लीजा का फोन। यहाँ पे काफ़ी सारे गुड्डा आ चुके भाई, क्या ही हो रही है इस मैच में। एंड आखिरकार इस मैच में मेरे को करना क्या है, एस्केप करना है फिर क्या करना है मेरे को नहीं पता। खैर बाद में पता चल जाएगा, क्या मैं इस गेट को ओपन नहीं कर सकता। एंड भाई वेट, यहाँ पे भी एक पेंटिंग आ चुकी है, एमीज़ फ़ोटो, क्या है कौन है फोटो। माई डॉटर एमी, ओ भाई मेरी डॉटर का नाम एमी एंड मेरी वाइफ का नाम लीजा एंड मेरा नाम जेम्स। सो फाइनली गाइस सबका नाम तो मेरे को पूरा अच्छे से पता चल गया। एंड इधर कैमरा जो कि मैं इसे यूज नहीं कर सकता भाई, भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा डर लगता है अचानक गेट ओपन हो जाता। तो भाई सच्ची बोलूँ तो ग्रेनेड से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मेरे को ये लग रहा है इस वाले गेम में। सो खैर इधर एक लीजा, मे बी ये लीजा ही हो सकता। सो फाइनली गाइस मेरे को पता आखिरकार अगर मैं इसके सामने गया तो ये अचानक गायब हो जाएगी। मैंने बोला था ना इस मैच में ओझल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है हमारे को। कर इधर एक यहाँ पे लेटर रखा हो जो कि डाइवोर्स, ओ भाई सब इसमें सिंपली मेरा और लीजा का डाइवोर्स हो चुका था, जो कि हाँ इस लेटर में यही लिखा हुआ था। एंड ये यहाँ पे रो रही थी। सो खैर इधर तो कुछ भी नहीं इस वाले रूम में मेरे को जहाँ तक लग रहा है। एंड भाई वेट, यहाँ पे एक पेंटिंग है जो कि गिरा हुआ है, क्या इसमें कुछ हो सकता है मेरे को नहीं पता। खैर कोई दिक्कत वाली बात है, मैं सिंपली इस गेट को खोलता हूँ। एंड भाई ये ऑटोमेटिक ओपन हो गई, क्या यहाँ पे सेंसर वगैरह लगा। ओ भाई साहब ओपन हो चुका है। एंड यहाँ पे कुत्ता भी आ चुका है भाई, यहाँ पे मे भी भूतनी भी आ सकती है। हाँ यहाँ पे हाइड करने का है जो कि मेरे लिए कुछ दिक्कत नहीं। एंड यहाँ पे क्या मेडिसिन, इस मेडिसिन का क्या यूज़ है। खैर बाद में देखिए जाएगा आखिरकार इस मेडिसिन का यूज़ क्या। और यहाँ पे फाइंड अ बैज, सो फाइनली गाइस हमारे को बैज तो मिल चुकी है जो कि हम पुलिस वाली है। यहाँ से एक राउंड की भी हमारे को मिल चुकी है भाई सब। यहाँ पे हमारे को छोटा सा पॉट आ चुकी है जो कि हाँ मैं अगर चाहूँ तो उस भूतने को अट्रैक्ट कर सकता हूँ अपने। और भाई यहाँ पे तो कोई आ रहा है, मैं कन्फर्म हूँ यहाँ पे कोई तो कोई ज़रूर आ रहा है, क्योंकि हाँ उनका पैर का चलने का आवाज़ है भाई। मैंने बोला ना यहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर आ रहा था। तो फाइनली गाइस मैं उसे सबसे पहले तो नीचे जाने देता हूँ ताकि मैं इधर एक्सप्लोर कर सकूँ, क्योंकि हाँ हमारे को दूसरा गोल मिल चुका है, एक्सप्लोर द रूम एंड फाइंड क्ल्यू। सो फाइनली गाइस यहाँ से जा चुकी भाई, उसने मेरे को देख लिया। खैर मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ क्योंकि हाँ उसने मेरे को देख लिया। ओ भाई अब मैं नहीं बचूंगा, सॉरी गाइज मे बी मैं बच जाऊँ। भाई मेरे जिस सामने खड़ी, मेरे को जहाँ तक लगा था उसने मेरे को देख लिया। एंड ये भाई सब सामने क्या ही देख रही है भाई, भाग जाए एक बार खाली मेरे हाथ में गन आ जाए। एंड मे बी मेरे इस मैच में गन हमारे को मिल जाए तो भाई काफ़ी ज़्यादा भला भी हो जाएगा मेरे लिए। एंड मेरे आस पास ही है जो कि मेरे कानों में पूरा जोर से आवाज़ आ रहा है। एंड फाइनली गाइज मेरे को ये जो राउंड की एंड ये फिर बैज मिली, मेडिसिन मिली, आखिरकार इसका यूज़ क्या है मेरे को नहीं पता। सो फाइनली गाइस यहाँ पे मेरा इंतजार करे काफ़ी ज़्यादा देर हो चुका। सो खैर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, जो होगा बाद में देखा जाएगा। एंड इधर से भी एक रूम है, ये तो रहा मेरा नीचे वाला जाने का रास्ता जो कि हाँ किचन वगैरह का था, क्या मैं अब किचन जा सकता हूँ। खैर मैं, ओ भाई साहब राउंड की आखिरकार मेरा यूज़ पता चल गया जो कि यहाँ था। एंड यहाँ पे एक मिसिंग गियर, तो अब गियर कहाँ मिलेगी हमारे को। खैर मैं इसे ओपन कर सकता हूँ क्या, पुलिस बैच। एंड फाइनली गाइस ये भी ओपन हो चुका है। एंड यहाँ पे क्या लगेगा, नीड अ पार्ट ऑफ टेजर गन, ओ भाई साहब। तो फाइनली गाइस हमारे को इस मैच में गन मिल जाएगी जो कि हाँ हमारे को कुछ कुछ सामान ढूंढना पड़ेगा। कोई ना तो कोई मेरे सामने है क्योंकि हाँ मेरे कान में काफ़ी जोर का आवाज़ आ रहा था चुड़ैल का। एंड वेट इधर तो वही रूम है जो कि हाँ जिसमें मैं छुपा था। सो फाइनली गाइस यहाँ पे एक रूम दिख चुके जो कि हाँ ये भाई साहब बाथरूम है मेरे को जहाँ तक लग रहा है। हाँ भाई ये बाथरूम ही है। एंड यहाँ पे हमारे को ट्रिगर मिल चुकी भाई साहब। सो फाइनली गाइस मेरे को यहाँ पे पक्का यकीन हो चुका है इसमें गन मिलेगी हमारे को। एंड मैं इस गेट को तो ओपन नहीं कर सकता क्योंकि हाँ यहाँ पे एक चेन लगा हुआ है। एंड फाइनली मेरे को यहाँ पे एक चेन कटर की ज़रूरत होगी जो कि हाँ मेरे को पता है। सो मेरे पास चेन कटर तो नहीं, खैर जब आएगी तब मैं चेक कर लूँगा। एंड यहाँ पे एक रूम, सो खैर गाइस भूतनी यहाँ पे आ चुकी है। सबसे पहले तो मैं इस भूतनी को उधर जाने देता हूँ। अबे भाई मेरे राइट साइड से आ गए थे, मैं राइट साइड ही जा रहा था भाई, क्या ही दिखती यार, डर लग रहा है इससे मेरे को सच्ची बात, पसीना पसीना में हो जा रहा हूँ। सो खैर मैं फिर से यहाँ पे जग चुका। एंड मेरे को पता नहीं आखिरकार मेरे को यहाँ पे इस मैच में कितने लाइफ स्पेन मिलने वाली है।
एंड भाई मैं बोलूँ तो एक बार अभी इस गेम को खेल के ट्राई करना काफ़ी खतरनाक लगती है। सो फाइनली गाइस मैं फिर से पूरा प्रॉपर तरीके से सही हो चुका हूँ। खैर सबसे पहले मेरे को यहाँ पे धीरे धीरे जाना पड़ेगा ताकि यहाँ वो भूतनी मेरे सामने ना आ जाए, क्योंकि मेन मेरे को उसी का डर है। एंड भाई अगर वो आ गए तो मैं यहाँ पे छुपूंगा कहाँ पे? सो खैर यहाँ पे तो मैं छुप सकता हूँ एंड मे बी यहाँ पे नीचे ना हो, यहाँ पे एक स्क्वायर की ज़रूरत है एंड इधर भी मे बी गेट सा नहीं है भाई। तो फाइनली गाइस इधर तो नहीं है एंड क्या मैं इसे ओपन कर सकता हूँ? भाई ओपन हो चुकी है। खैर सबसे पहले तो मैं इधर देखूँगा एंड भाई ये टीवी क्या ही बोलूँ मैं, एंड वो मेरे आसपास है। हाँ भाई उसने मेरे को अभी तक नहीं देखा है। खैर मैं उसे सबसे पहले तो इधर एक बार राउंड लेने देता हूँ ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूँ। वो भाई देख ली ये पागल बुढ़िया, भाग जा तो मैं तेरे बोल रहा हूँ चुड़ैल तो भाग जाए। यहाँ यहाँ पे हमारे पास स्क्रू ड्राइवर मिल चुकी है एंड भाई साहब क्या ही बोलूँ, इधर से मेरे को देखा था लेकिन हाँ ये चुड़ैल बड़ा ही चलाक है भाई, रिटर्न आ जाती इधर से। लेकिन हाँ मैं अभी भी इसमें बचा हुआ एंड भाई इसमें आखिरकार लाइफ स्पेन कितनी मिलती है मेरे को नहीं पता। सो खैर फिर से मैं प्रॉपर तरीके से सही हो चुका है। यहाँ पे मेरा जो ऊपर में वेव चल रही है रेड हो चुकी थी, पहले तो ग्रीन चल रही थी। क्या हो भाई साहब ये मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये एमी थी। खैर इधर एक ड्रॉवर जो कि कुछ भी नहीं है एंड भाई साहब ये यहाँ पे हमारे को क्या दिखा रही है, क्या हमारे को इसमें क्या करना है? सोफा लेकर हमारे यहाँ पे टेजर गन मिल चुकी है एंड यहाँ पे हमारे को गन मिल चुकी है, यहाँ पे एक ट्रिगर भी मिल चुका है। एंड भाई आप इसमें चाहिए तो चाहिए क्या मेरे को? खैर वो सामने आ चुकी है, मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ एंड भाई मेरे को बताओ सच्ची बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन हाँ जो एमी मेरा कुछ कुछ मदद कर रही है उसके कारण मैं इस मैच में स्केप कर जाऊँ तो भाई काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन हाँ मेरे को डर भी लग रहा है भाई, कभी कभी वो फंसा दे तू दिक्कत ना हो जाएगी भाई, भूत भूत का ही दोस्त हो सकता है। लेकिन हाँ भाई ये ऐसे नहीं मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ये मेरे को क्ल्यू फाइंड करने में मदद कर रही है एंड भाई भूतनी आ चुकी। सो खैर मैं कुछ देर शांत हो जाता हूँ ताकि इसको कुछ आवाज़ ना जाए एंड भाई मेरे पे शक ना कर सके। सो फाइनली गाइस मेरा मन तो करा अपने गन से इसका खोपड़ा फोड़ दो, लेकिन हाँ मेरे को पता नहीं आखिरकार गन बनाने के लिए क्या क्या रेसिपी चाहिए। एंड भाई मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये यहाँ से जा चुकी। सो खैर मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ एंड जो होगा भाई बाद में देखी जाएगी। सो फाइनली गाइस मैं इन ड्रॉवर को आखिरकार चेक कर रहा था आखिरकार इनमें है क्या। भाई टेजर बैटरी भी मिल चुकी है हमारे को एंड मे भी इधर से ना रहा हूँ वरना मैं फिर गंदे तरीके से मारा जाऊँगा। भाई आ चुकी इधर से, तो खैर एक बार मेरे को इधर से देख ले। हाँ भाई देख ली। सो फाइनली सबसे पहले तो मैं इसे इधर आने देता हूँ ताकि मैं ऊपर जा सकूँ, क्योंकि हाँ भाई ये कोई भी साइड से आ जाती है। तो खैर गाइस इसने मेरा पूरा पीछा कर लिया भाई, अब कोई दिक्कत नहीं बस, क्योंकि हाँ मेरे हाथ में अब गन आने वाली है। एंड क्या मैं इसे बंद कर दूँ? भाई नहीं बंद हो रही है। तो खैर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सारा चीज़ को यूज करके आखिरकार तो फाइनली मेरे यहाँ पे गन पूरे प्रॉपर तरीके से बन चुका है। सबसे पहले तो रूम को एक्सप्लोर कर लेता हूँ अच्छे तरीके से एंड फाइनली गाइस जो मैंने यहाँ पे ड्रॉप करा था वो वही सामान एंड मेरे को वहाँ पे टेजर गन मिली थी मेरे को जहाँ तक लग रहा है। एंड फाइनली गाइस जो यहाँ पे तो नहीं मेरे को जहाँ तक लग रहा है, खैर वो वहाँ कहीं दूर होगी मेरे को नहीं पता। लेकिन हाँ यहाँ पे तो कुछ है भाई, इसे देखने के लिए मेरे को कुछ अच्छे सामान की ज़रूरत है जो कि हाँ मैं इसे निकाल सकूँ। सो फाइनली गाइस यहाँ पे ना हो तो ही अच्छा है एंड मैं इधर से एक्सप्लोर कर ले रहा हूँ। भाई साहब भाई उसने मेरे को देख लिया, मैं सीधा यहाँ से नीचे निकल जाता हूँ क्योंकि हाँ वो मेरे को इधर ही ढूंढते रह जाएगा एंड मैं सीधा यहाँ से नीचे पहुँच चुका हूँ। एंड भाई इधर एक कप एंड इससे तो मैं ओपन नहीं कर सकता। भाई यहाँ पे केक भी रखा हुआ है और भाई यहाँ पे एक नोट है जो कि मैं नहीं पढ़ने वाला, जो कि वही लिखा होगा फाइंड ए क्लू। खैर इसमें भी कुछ नहीं है एंड मैंने यहाँ पे एक रूम को ओपन करा था मेरे को जहाँ तक प्रॉपर याद, जो कि इस वाले का था। एंड भाई यहाँ पे हमारे को ब्लड मिल चुकी है। भाई उसने मेरे को फिर से देख लिया एंड मे बी वो इधर ही से आ रही होगी। भाई मैं यहीं पर खड़ा हो जाता हूँ एंड मेरे को डर लग रहा है कि आखिरकार इधर ही से आ रही है। भाई ये कुत्ता तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, मैं इसे क्या बोलूँ, मैं इसे ही उड़ा दूँ क्या? एंड गाइस अगर मैं ज़्यादा डरूंगा ना तो मैं इस मैच को नहीं खेल पाऊंगा। खैर ये टीवी यहाँ पे बड़ा आवाज़ करता है भाई एंड वो चुड़ैल इधर आ चुकी है जिसने मेरे को यहाँ पे देख लिया। तो खैर चुड़ैल तो जल्दी आ, क्या मैं इसे मार सकता हूँ? भाई नहीं लगता है। तो फाइनली मैं इसे इधर आने देता हूँ ताकि मैं उधर जा सकूँ। भाई सबसे पहले तो मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा एंड वेट वो टीवी देखने लगी, तो टीवी देख मैं ऊपर से आता हूँ कुछ देर। और भाई सब यहाँ पे एक हमारे को डब्बा मिल जाएगा जो कि हाँ इसका यूज़ करके भाई हमारे को यहाँ पे गियर भी मिल चुकी है। खैर अगर आपको याद हो गियर आखिरकार लगाना कहाँ था, जो कि आपको ओ भाई सामने आ चुकी थी, मेरे कान में ज़रा सा भी आवाज़ नहीं आ रहा था। एंड वेट ये इधर ही से आ रही है, तो आ जा पहले।
फाइनली कहा गन तो मेरे यहाँ पे लग भी नहीं रहा, तो मैं आखिरकार इसे बचूँ कैसे? एंड इसने मेरे को फिर से देख लिया, मैं सबसे पहले यहाँ पे हाइड हो जाता ताकि ये मेरे को मार ना सके। एंड भाई यहाँ पे जो आपको दिख रही है रेड वाली वेव, कभी कभी जो मेरा ब्रेन रहता है ना बड़ा दिखने लगता है, आपने अगर नोटिस करा हो तो आपको पता होगा। मे भी आखिरकार वो कैसे हो रहा, जहाँ तक मेरे को लगा वो सामने आती है ना तो इसी तरीके का होता। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड गाइज मेरे को जहाँ तक लग रहा है वो यहाँ से जा चुकी, खैर मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। एंड मेरे को डर भी लगता भाई अगर मैं मर गया, एंड मेरे को जहाँ तक लग रहा है मैं इस मैच को 50% तक तो पार कर चुका हूँ। सो खैर जो होगा बाद में देखा जाएगा, मैं सीधे इस गियर को यहाँ पे लगाता हूँ। मेरे को मे भी यहाँ पे क्या मिल जाए मेरे को नहीं पता। एंड भाई हमारे को फाइनली यहाँ पे एक स्क्वायर की मिल चुकी है। एंड मेरे को पता आखिरकार इसका यूज क्या भाई, वेट ये फिर से यहाँ पे आ चुकी है, आखिरकार ये बताना क्या जा रही है हमारे को? अरे यार तू मेरे को क्यों डराए जा रही है भाई? खैर यहाँ पे हमारे को एक चीज़ दिखा रही थी भाई, हम सभी का फोटो। सो क्या सबसे पहले तो मेरे को यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा ताकि मैं अच्छे से वहाँ से एक्सप्लोर कर सकूँ। एंड गाइस जो आखिरकार कहाँ है मेरे को नहीं पता। खैर मेरे को पता है यहाँ पे एक स्क्वायर की लगता है, मैं सिंपली इसे यहाँ लगाता हूँ भाई, मैं अंदर चला जाऊँगा। एंड यहाँ पे कोई हाइड होने का जगह भाई लॉक्ड हो चुका है मे बी। हाँ भाई लॉक्ड हो चुका है। खैर यहाँ पे क्या करूँ? एंड वेट हमारे को यहाँ पे कुछ दिख चुका है, लॉन्ग वायर, और इसका क्या यूज़ है भाई साहब? मेरा कुत्ता भी आ चुका है। एंड इधर एक डॉल भाई हट चुकी है, क्या मैं इस गेट को ओपन कर सकता हूँ? नहीं। एंड भाई एमी फाइनली ये रही मेरी एमी, और ये मेरे को क्या बोलना चाह रही है मेरे को नहीं पता। भाई सामने जाता हूँ, मेरे को पता है ये ओझल हो जाएगी मेरे तरफ देख के। भाई मैंने बोला ना भाई कोई तो आ रहा है मेरे सामने, मैं सिंपली हाइड हो जाता हूँ। मेरे को पता है कोई ना कोई यहाँ पे 100% आ रहा है। फाइनली चुड़ैल मेरे सामने से पार हो चुकी है, मेरे को मे भी जहाँ तक पता हो। लेकिन हाँ इसे सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा दूर जाने दूंगा, यानी कि सिंपली छत्ता वगैरह या फिर किचन वगैरह में कहीं भी सो जाए। भाई ये सोती भी तो नहीं है ना, ग्रेनी में तो बुढ़ा सो भी जाता है यार, ये सोती भी नहीं है। मेन डर तो इससे यही है ना, और ये हमेशा चाकू ले घूमते रहते। मेरे को जहाँ तक पता है मैं इससे 2 बार मर भी चुका हूँ, जो कि हाँ मैं बार बार नहीं मरना चाहता भाई। सो खैर मैं बाहर निकल, सिंपली मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। एंड भाई वेट चूड़ैल मेरे सामने ना हो तो अच्छी बात है। भाई अचानक कहाँ से आ जाती है यार? और भाई अब मैं बचूंगा या फिर नहीं मेरे को नहीं पता। एंड मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये मेरा लास्ट चांस है। फाइनली मैं यहाँ पे मेडिसिन खा रहा हूँ, जो कि हाँ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डब्बा बचा था। एंड मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये डब्बा भी ख़त्म कर चुका है। सो फाइनली मैं फिर से पूरे अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से अच्छा हो चुका हूँ। एंड भाई क्या ही बोलूँ, अचानक से सामने आ जाती है। खैर कोई दिक्कत वाली बात है, मैं सीधा ऊपर चला जाऊँ एंड अब जो होगा देखा जाएगा। तो मैं इस रूम में एक बार जाके हाइड हो जाता, क्योंकि हाँ ये रूम में ही सामान था। सो गाइस मेरे को जहाँ तक लग रहा है यहाँ से ही नीचे जा चुकी, क्योंकि हाँ मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देर से इंतजार कर रहा हूँ। एंड अब जो कि बाद में देखी जाएगी। खैर मैं इसे यहाँ से तो निकाल लेता हूँ। एंड भाई यहाँ पे तो पासवर्ड है, खैर किस चीज़ का पासवर्ड है? गैराज फोटो। सो फाइनली मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। एंड भाई वेट यहीं पे है, एंड इसने मेरे को नहीं देखा मे भी जहाँ तक मेरे को लग रहा है। फाइनली मैं किचन में तो आ चुका हूँ, यहाँ पे हमारे को क्या मिलने वाली है? वो भाई साहब द पासवर्ड इज हियर। तो फाइनली हमारे को यहाँ पे एक चेन कटर मिल चुकी है। एंड भाई सो खैर सबसे पहले इस चुड़ैल को तो नीचे जाने देता हूँ। एंड ये भाई टीवी क्या ही स्टोर करे जा रही है, एक ऊपर रूम में जो था चेन कटर फाइनली में उसे कट करके आखिरकार नीचे वाले इस रूम में ट्राई करने वाला आखिरकार। हाँ हमारे को क्या देखने को मिलता है? एंड वे टू आखिरकार गई किधर? तो फाइनली मैं ऊपर जाता हूँ। एंड मे बी वो नीचे जा चुकी है, मेरे को कंफर्म नहीं पता आखिरकार वो नीचे गई या फिर नहीं। एंड यहाँ पे चेन कटर का यूज हुआ। एंड भाई फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। एंड क्या ही ये रूम पिंक पिंक होए जा रहे भाई ऊपर, यहाँ पे तो काफ़ी खतरनाक खतरनाक मशीन भी लगा हुआ है। एंड इधर एक ड्रॉवर जो कि कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पे एक ओल्ड फोटो, भाई मैंने बोला ना ये रहा मेरा डॉग। एंड वो रही मेरी जो वाइफ, जो कि फोटो नहीं दिख रहा है हमारे को। एंड फाइनली इधर एक पिन बॉटन, खैर इसका क्या यूज़ है मेरे को नहीं पता। एंड मैं सीधा चलता हूँ नीचे वाले रूम में। एंड यहाँ पे तो कुछ है, रेड कार्ड लेट मी आउट, पता नहीं आखिरकार ये किस लिए रखा हुआ है। एंड पूरा मेरा फैमिली फ़ोटो, जो कि हाँ किसी का फ़ोटो नहीं दिख रहा। खैर मेरा फ़ोटो तो दिखना चाहिए ना, मैं तो यहाँ पे बचा हुआ हूँ। भाई उधर है, मेरे को ज़्यादा लग रहा है इसने मेरे को नहीं देखा। मैं सीधा यहाँ से बेसमेंट के लिए रवाना हो जाता हूँ। एंड भाई वहाँ अगर आवाज़ चली गई ना तो मैं बड़े गंदे तरीके से मारा जाऊँ।
सो फाइनली मैं आखिरकार इस वाले रूम को ओपन कर दिया, मैं सिंपली इस वाले रूम को बंद कर देता हूँ ताकि पता ना चल सके। एंड यहाँ पे आवाज़ भी तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसे तो पता चलना कन्फर्म है। सो खैर इसे भी चेन कटर से कट कर देता हूँ एंड भाई मैं कोई रूम में आ चुका हूँ एंड हाइड होने का जगह। सो फाइनली हमारे को यहाँ पे एक टेजर बुलेट मिल चुकी है, अब वो आ गई तो मेरे को कोई डर नहीं है, मैं सीधा उसका थोपड़ा खोल दूंगा। भाई मैंने तो गेट को बंद करा था, आखिरकार तू कैसा है भाई, कोई जादू वादू तो नहीं है ना तेरे में? भाई नहीं बोल रहा भाई, वो आ चुकी है। सो फाइनल इस गन से लगेगा या फिर नहीं मेरे को नहीं पता, तो खैर मैं इस पर शूट कर देता हूँ 1 2 3, भाई लग गया। सो इस बुलेट का आखिरकार यूज हो गया एंड भाई मैंने भी उस समय एक बुलेट लिया था चूँकि हाँ उसे तो नहीं हो रहा था शूट, खैर अभी हो गया ना मेरा मेन टाइम में वर्क आखिरकार जो होना था मिस्टीरियस मास्क। सो फाइनल का जिस मास्क का यूज़ किया मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ जो होगी बाद में देखी जाएगी। क्या मेरे वो बैग में आ चुकी है? भाई नहीं आया। एंड इधर दो दो डोर है एंड उधर एक रूम है जो कि काफ़ी ख़तरनाक सा लग रहा है एंड इधर एक चेन कटर जो कि हाँ कट करके देखो वो। भाई मैंने इसे कट करा तो सिंपली इधर एक डोर खुली एंड क्या ये शोर किए जा रहा है, ये रिंग बेल इट्स क्या, एक सिक्योरिटी रूम है जो कि हाँ शोर करने लगी काफ़ी ज़्यादा एंड यहाँ पे हमारे क्रूवार मिल चुकी है। तो फाइनली मैं इसे अपने बैग में रखता एंड यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा एंड मैं दूसरे वाले रूम को एक्सप्लोर कर लेता, आखिरकार इस वाले रूम में हमारे को क्या मिलती है। एंड बाई वेट यहाँ पे एक नीचे नेट प्राय ओपन लेट, क्या ये क्रू बार से? सो फाइनली गाइस एक क्रू बार से ओपन हो जा रही, मैं सिंपली इसे ओपन करता हूँ यहाँ से सीधा नीचे चला जाता हूँ। सो खैर गाइस मैं एक टनल में आ चुका हूँ एंड मे बी मेरा डॉग यहाँ से आ जाए एंड भाई भूतिया तो यहाँ से नहीं आएगी ना, क्योंकि हाँ वो चुड़ैल काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, यहाँ से कूदेगी तो मारी जाएगी। एंड यहाँ पे कोई तो सामने था मेरे को जहाँ तक लग रहा है एंड इधर एक सामने टॉर्च गिरा हुआ और यहाँ से एक तो सीढ़ी चढ़ रही है। खैर मैं यहाँ से ऊपर चढ़ के देखता आखिरकार ये कौन सा रूम ले जाता है एंड यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है एंड इंट्रोगेशन रूम, इस रूम का मतलब क्या होता है भाई? सो फाइनली गाइस अगर जो ओ भाई साहब एमी जो कि मेरे डॉटर एंड वो मेरे को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा रही है एंड भाई वो मेरा उल्टा मदद कर रही है जो कि हाँ मेरे को उसे नहीं डरना है एंड सिंपली मैं इधर एक्सप्लोर करता हूँ जो कि हाँ आखिरकार यहाँ पे है तो है क्या है। एंड यहाँ पे हमारे को मैन रिंग मिल चुकी है एंड मेरा अलग से रूम ओपन हो चुका है जो कि यहाँ सामने है एंड मैं यहाँ से चलता हूँ एंड यहाँ पे तो कोई होगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है। भाई वो चुड़ैल नहीं ना, तो खैर मैं सीधा चलता हूँ यहाँ से निकलता हूँ एंड सीधा मैं निकल जाता हूँ अपने रूम। ओ भाई एंड मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हाँ मैं बढ़ नहीं पा रहा, यहाँ पे सीढ़ी तो छोटी छोटी तो मैं यहाँ पे जल्दी बढ़ क्यों नहीं पा रहा। एंड ये रही मेरी वाइफ लीजा एंड डॉटर एमी जो कि हाँ दोनों मिलकर मेरी मदद कर रही है एंड अब मेरे को जहाँ तक लग रहा है मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ एंड यहाँ पे वो चुड़ैल मेरे सामने ना हो तो मैं बड़ा अच्छा से बच जाऊँगा वरना फिर मैं दिक्कत में फंस जाऊँगा। तो फाइनली मैं इसे ओपन करता हूँ एंड भाई सब मैं तो वही रूम में आ चुका हूँ जो कि मेरा रूम था। भाई यहाँ पे हमारे को हैंड ड्रॉप पब्लिक आइडेंटिटी कार्ड जो कि मेरा ये आइडेंटिटी कार्ड है एंड इसका भाई मेरे को कोई यूज़ नहीं एंड यहाँ था वे टू हेल कोई मूवी का टिकट वगैरह को, खैर कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे हमारे को फ्यूज़ भी मिल चुकी है, खैर इस फ्यूज़ का क्या यूज़ है मेरे को नहीं पता है एंड मैं सिंपली यहाँ से निकलता हूँ एंड यहाँ का लोकेशन मेरे को तो कुछ चेंज लग रहा है, क्या मैं दूसरे रूम में आ चुका हूँ? एंड यहाँ पे मेंस रिंग, सो फाइनली मैंने यहाँ पे एक मेंस रिंग लगा दिया एंड यहाँ पे हमारे को केक दिख रही है जो कि कुछ यूज नहीं एंड भाई मेरे पास फ्यूज है तो फिर मैं इस फ्यूज़ को आखिरकार लगाऊँ कहाँ? तो फाइनली गाइस हमारे को फ्यूज स्टेशन दिख चुकी है जो कि हाँ मेरे सामने था लेकिन मेरे को नहीं दिख रहा था क्योंकि हाँ मैं एक छोटा सा था एंड मेरे को पता भी नहीं चल रहा था एंड मेरे को जहाँ तक लग रहा है सारे रूम की लाइट आ चुकी है। एंड भाई चुड़ैल मेरे सामने सोई थी एंड मेरे को पता भी नहीं चला लेकिन हाँ ये देखती ना तो बड़ा जोर का आवाज़ करती जो कि अभी कोई शोर वगैरह तो नहीं कर रही है, खैर इसने तो मेरे को देख लिया। सबसे पहले तो मैं इसे यहाँ तक आने देता हूँ ताकि मैं उधर जाके कुछ एक्सप्लोर वगैरह कर सकूँ। भाई मेरा कुत्ता भौंकने लगा एंड आखिरकार मैं यहाँ पे करूँ क्या? यहाँ पे केक पे मेरे को कुछ वुमेन रिंग दिख रही है, खैर मैं इसे रख लेता हूँ एंड यहाँ पे मेरे सामने। तो फाइनली मैं इस वुमेन रिंग को यहाँ पे लगा देता हूँ एंड भाई वेट यहाँ पे गेट ओपन हो चुकी, भाई चुड़ैल तो यहाँ पे नहीं आ जाएगी ना, मेरे को वही डर है मेन। एंड मेरे को यहाँ पे क्या करना है भाई? मेरे चारों तरफ घड़ी ही घड़ी दिख रही है हमारे को, तो क्या करूँ मैं इसका? एंड गाइज मैं जिधर से आया हूँ सिंपली मैं उधर ही मूव करूँगा। ओ भाई साहब मेरे को जिसका डर था आखिरकार वही हुआ, मैं मैच के एंड में आ चुका हूँ एंड भाई मैं इसे मारा जा चुका हूँ।
क्या मेरे को एक लाइफ स्पेन मिलेगी या फिर नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ मे भी मिल जाए तो अच्छी बात है। भाई साहब मिल चुकी मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि मेरे पास कुछ मेडिसिन बचे हुआ था। तो फाइनली मैं इस मेडिसिन को खाता हूँ, सिंपली मैं अपने मैच के एंड में चलता हूँ। ओ भाई, सो फाइनली गाइस मेरा मेडिसिन ख़त्म हो चुका, जिसका होप था कि हाँ मेरे पास मेडिसिन है, ठीक है ना, मेरे पास नहीं थी। अगर मेरे पास एक मेडिसिन मिल जाती है ना तो मैं इस मैच को ईजिली तरीके से पार कर सकता। तो फाइनली गाइस मैं अगली वीडियो में इस मैच का स्किप गारंटी कह रहा हूँ लाऊंगा। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत बोलना। एंड अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी फॉलो करना मत बोलना। सो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।